नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। मेरठ के गंगा नहर में बृहस्पतिवार शाम मजदूरी के पैसे मांगने के विवाद में मकान मालिक ने घर में पत्थर लगा रहे मजदूर युवक की लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारकर हत्या कर दी। इस सनसनीखेज वारदात से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मकान मालिक मौके से फरार हो गया। युवक की हत्या की जानकारी मिलते ही परिवार और अन्य लोगों ने आरोपी के घर पर हंगामा कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से मामला शांत कराया। परिवार के लोगों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुटी है। ये बिस्तर पर हथियारों और कारतूसों के साथ तस्वीर जो आप देख रहे हैं, तस्वीर है फिरोजाबाद के थाना उत्तर के मथुरा नगर निवासी प्रदीप यादव की। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर अवैध करीब आधा दर्जन पिस्टल, तमंचों और कारतूसों के साथ बिस्तर पर लेटे हुए इस युवक की फोटो वायरल हुआ है। फिरोजाबाद पुलिस ने वायरल फोटो का संज्ञान लिया और फोटो की पहचान कर अभियुक्त प्रदीप यादव पुत्र शंकरलाल निवासी मथुरा नगर थाना उत्तर को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल, दो तमंचे, 315 बोर और दो जिंदा कारतूस और एक अदद पौनिया 315 बोर बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को संगीन धाराओं में जेल भेज दिया। बरेली में विनायक अस्पताल में कोविड मरीज से 10 दिन के 4,70,000 रुपए ले लिए गए। मरीज की मौत होने के बाद शव भी नहीं दिया। 1,00,000 रुपए जमा करवाने के बाद शव दिया गया। पीड़ित ने डीएम और सीएमओ से इस मामले की लिखित शिकायत की है। व्यापारी नेता अनूप कपूर का ये विनायक अस्पताल है। विनायक अस्पताल पर पहले भी इस तरह के अवैध वसूली के आरोप लग चुके हैं। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग कोई कार्रवाई नहीं करता। सिटी रेलवे स्टेशन के पास की पूरी घटना बताई जा रही है, जहाँ पर विनायक अस्पताल स्थित है। अम्बेडकर नगर के एक ही गांव में 32 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 32 लोगों के कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया। गांव को सील किया जा रहा है। आवागमन पूरी तरह से बंद है। प्रशासन सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था करा रहा है। स्वास्थ्य विभाग का कोई जिम्मेदार अब तक नहीं पहुंचा। गांव भियाक ब्लॉक के बिलारी गांव का एक पूरा मामला। भियाक ब्लॉक में एक दिन में करीब 67 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। मथुरा के कस्बा राय में लॉकडाउन के चलते राया पुलिस द्वारा चोरी छुपे दुकान खोलकर बिक्री कर रहे दुकानदारों, दुकान के अंदर बैठे ग्राहकों और बिना मास्क के घूम रहे लोगों को पकड़ लिया गया। उनके खिलाफ चालान काटने की कार्रवाई की गई। कार्रवाई को लेकर कस्बे में हड़कंप मच गया। पुलिस द्वारा सख्ती बरतने के बावजूद भी लोग बिना मास्क लगाए बेवजह घूम रहे हैं। दुकानदार भी दुकानें खोलकर सामान की बिक्री कर रहे हैं। दुकानों के अंदर मौजूदा 10 से 15 लोग सोशल डिस्टेंसिंग के धज्जे उड़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।